नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं महिंद्रा का यूवो टेक प्लस 575 डीआई ट्रैक्टर का एक रिव्यू वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शानदार सीरीज, सबसे बेस्ट सीरीज यूवो सीरीज का ये ट्रैक्टर है, काफ़ी दमदार है। 47 हॉर्स पावर की कैटेगरी के साथ आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेगा और ये 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी में ट्रैक्टर आता है। वैसे इस ट्रैक्टर की हॉर्स पावर की बात करें तो वो है 47 हॉर्स पावर और इस ट्रैक्टर में आपको 4 स्प्लेंडर की बैकअप पावर मिलेगी। फ्रंट में आपको हैवी वेट का बम्पर भी मिलेगा इस ट्रैक्टर में, सीधा स्ट्रेट एक्सल रहेगा, विदाउट कोई एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर में फ्रंट में हेलोजन टाइप की लाइट मिलेगी जो कि बोनेट के अंदर वाली साइड है। लुकिंग की और ब्रांडिंग की बात करें, शानदार लुकिंग इसके ट्रैक्टर में ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट टायर इसमें आपको 616 का देखने को फ्रंट टायर मिलेगा, देख लीजिए शानदार ब्रांडिंग ग्राफिक्स यहाँ पर डिज़ाइन मिलेगी, सिंपल सोबर। और ड्यूल क्लच का ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में, 2000 इंजन रेटेड आरपीएम इस ट्रैक्टर में मिलेगी। और लुकिंग में एकदम अच्छा ट्रैक्टर है, सबसे कामयाब सीरीज अपने जो महिंद्रा की कह सकते हैं। महिंद्रा की सारी सीरीज ही कामयाब रहती है, अभी तक इनकी कोई भी सीरीज निकाली हुई फेल नहीं गई। जीवो में थोड़ा जीवो ट्रैक्टर थोड़ा कम बिका था, साउथ साइड ज़्यादा बिका था वो। तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 स्प्लेंडर पावर मिलेगी बोसच कंपनी की लाइन पंप के साथ और 2000 इंजन रेटेड आरपीएम मिलेगी ट्रैक्टर में। और एयर फिल्टर ड्राई टाइप का एयर फिल्टर देखने को मिलेगा। 43.1 एचपी की इस ट्रैक्टर में आपको पीटी हॉर्स पावर मिलेगी 43.1 की। और इस ट्रैक्टर में टॉर्क 192 एनएम का टॉर्क बैकअप पावर देखने को मिलेगा 192 का। और 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगी जो कि अभी तक कोई भी ट्रैक्टर कंपनी नहीं दे रही। इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूल क्लच देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोहे का टूल बॉक्स आपको जिसमें अपने इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, एकदम फुल्ली कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है। साइड शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ आपको मिलेगा। मेरी हाइट 6 फुट है तो मैं इसमें आराम से बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लंबे टाइम तक अगर आप खेती भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ट्रैक्टर में आपको डिजिटल मीटर मिलेगा, ट्रैक्टर में पूरा फुली चेंज ट्रैक्टर है ये, यूवो टेक प्लस की सीरीज़ है, काफ़ी है जिसमें चेंजिंग करी गए हैं। फुली कॉन्स्टेंट मैस गियर मिलेंगे, शानदार ड्राइविंग व्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा ट्रैक्टर में आपको। और ट्रैक्टर में 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर देखने को मिलेंगे आपको। और फॉरवर्ड की मैक्सिमम स्पीड ट्रैक्टर में 32.14 किलोमीटर पर आर की फॉरवर्ड की मैक्सिमम स्पीड है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, आप अपना फ़ोन भी यहीं रख सकते हैं। ट्रैक्टर में 11.15 किलोमीटर पर आर की रिवर्स स्पीड मिलेगी, शानदार एक अच्छा सा स्टीयरिंग मिल रहा है, छोटा स्टीयरिंग मिल रहा है आपको। डिजिटल मीटर मिल रहा है, वो देख सकते हैं आप, डिजिटल मीटर मिलेगा ट्रैक्टर में, रात की तरफ काफ़ी काम आने वाला है। एडवांस ट्रैक्टर है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये सीरीज चल रही है अभी तक, जैसे चेंजिंग आ रही है वैसे कंपनी इसमें चेंजिंग कर रही है। यहाँ पे आपको फुल कॉन्स्टेंट मैच टाइप के गियर बॉक्स मिलेंगे ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर में इसमें हैंड ब्रेक का भी मेरे को अच्छा सिस्टम दिया गया है, हैंड ब्रेक आपको साइड में दिया गया है और पीछे की तरफ नहीं दिया गया, ये सबसे इसमें प्लस पॉइंट है ट्रैक्टर में। ऑयल इमर्स ब्रेक मिलेंगे, एडजस्टेबल कंफर्टेबल सीट मिलेगी इस ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर में आपको स्टीयरिंग मिलेगा जो कि पावर स्टीयरिंग मिलेगा सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ। और इसके पीछे वाला टायर की साइज़ की बात करें जिसमें आपको 13-6-28 का टायर का साइज मिलता है, 14-9-28 का भी इसमें आपको ऑप्शनल रहता है। ट्रैक्टर में आपको हाइड्रोलिक क्षमता की बात करें और इसके पीछे की एक्सल की बात करें तो शानदार मजबूत इस ट्रैक्टर में आपको एक्सल देखने को मिलेगा, एडजस्टेबल हुक देखने को मिलेगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार से हुक को सेट कर पाएंगे। 1700 kg तक ट्रैक्टर आराम से वजन उठा सकता है, 1700 से लेके 2100 kg तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिना किसी लोड माने ट्रैक्टर आराम से वजन उठा सकता है। एडजस्टेबल काफ़ी मजबूत कंपनी की तरफ से आपको कंपनी फिटेड हुक मिलने वाला है। ट्रैक्टर में आपको पीछे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिलेगा, पीछे की तरफ ऐसी ये ट्रैक्टर में बम्पर लगा आता है कंपनी की तरफ से, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, बोतल होल्डर मिल रहा है ट्रैक्टर में आपको और डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलेगी। जैसे आजकल एडवांस टाइप के इंप्लीमेंट आ रहे हैं, लेज़र हैरो और मिनी जेसीबी भी आप ट्रैक्टर पे लगा सकते हैं, इन डबल डिस्ट्रीब्यूटर से काफ़ी काम आते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक्टर में। तो इस ट्रैक्टर में आपको वो भी ऑप्शन मिल रहा है डबल डिस्ट्रीब्यूटर का। और लुकिंग की बात करें, ट्रैक्टर की कलर की बात करें, मेटेलिक ट्रैक्टर में आपको पेंट देखने को मिलेगा जिसकी लाइफ काफ़ी रहती है और शाइनिंग पेंट रहता है। ये पहले डल इसमें आता था, इसमें पेंट की क्वालिटी डल आती थी, तो थोड़ी अब इस ट्रैक्टर में इंप्रूवमेंट हुई है। SLI टाइप की इस ट्रैक्टर में आपको PTO जो इसके 585 में देखने को मिलेगी, इस ट्रैक्टर में आपको नहीं देखने को मिलेगी। इस सेक्टर में आपको सबसे खास बात जो इसकी है, इस सेक्टर में आपको 6 साल की वारंटी मिलने वाली है और 6000 घंटे की, जो कि अभी तक कोई ट्रैक्टर कंपनी नहीं दे रही। 47 हॉर्स पावर की कैटेगरी का सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है यूवो सीरीज का ट्रैक्टर। थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ता है पर ट्रैक्टर एकदम दमदार है। आप अगर अपने स्वराज के कोई भी इस ट्रैक्टर में 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी के साथ अगर मुकाबला करोगे फिर भी ट्रैक्टर उनको आगे नहीं जाने देगा, एकदम शानदार सीरीज है। जैसे अर्जुन नोवो की सीरीज है वैसे ये भी यूवो की सीरीज है। तो अभी तक ये सीरीज के ट्रैक्टर काफ़ी बिक रहे हैं मार्केट में। एरोडाइनमिक इस ट्रैक्टर में लुक मिलेगी आपको, देख सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको 65 लीटर का फ्यूल टैंक का बैकअप मिलेगा ट्रैक्टर में, काफ़ी अच्छा एक फ्यूल टैंक का बैकअप है। एक बार मैं ट्रैक्टर का फिर से मिनी रिव्यू कर देता हूँ। ट्रैक्टर में 47 हॉर्स पावर की कैटेगरी की पावर है। जब भी किसान भाई ट्रैक्टर नया लेता है तो उसको दो चीज़ें चाहिए होती है, तो उसका सर्विस खर्चा कम होना चाहिए, मेंटेनेंस खर्चा बिल्कुल कम रहना चाहिए और एवरेज ट्रैक्टर की अच्छी होनी चाहिए, उसमें पावर इसमें भी बढ़िया होनी चाहिए। 47 हॉर्स पावर के साथ साथ इस ट्रैक्टर में आपको 192 NM का टॉर्क मिलेगा जो कि एक अच्छा बैकअप पावर है।
तो पावर में भी कोई कंपनी ने कमी नहीं रखी, और एवरेज में तो आप जानते हैं महिंद्रा का सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर एवरेज देने वाला महिंद्रा का ही ट्रैक्टर रहता है। तो मुझे भी पर्सनली बताऊं तो ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जिस किसान भाई के पास ये ट्रैक्टर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ट्रैक्टर आपको कैसा लगता है, एवरेज और खर्चा ट्रैक्टर का कितना रहता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।